जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे वाटर करियर के ट्रेड टेस्ट के बारे में। वाटर करियर का ट्रेड टेस्ट कैसे होता है, वाटर करियर का ट्रेड टेस्ट कितने नंबर का होता है, वाटर करियर के ट्रेड टेस्ट में क्या क्या करना पड़ता है, इस जैसे कई सारे सवालों के जवाब लेके इस वीडियो में आया हूँ। जय हिंद, मैं ज्ञानेश्वर खाइवट कमांडो एंड फिजिकल ट्रेनर, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें दोस्तों, जिससे भविष्य में आपको इसी तरह की इंफॉर्मेटिव जानकारी समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले वाटर करियर, वाटर करियर का मतलब क्या होता है? तो वाटर करियर का मतलब होता है पानी ढोने वाला। पुराने जमाने में क्या होता था कि कुएं से पानी लाना पड़ता था, कहीं अपना तालाब से पानी लेके आना पड़ता था, दूर से पानी लाना पड़ता था, इसलिए ये वैकेंसी निकाली गई थी। लेकिन वो वैकेंसी अभी चल ही रही है। तो अभी वाटर करियर का मतलब ये है, काम क्या करता है? तो दोस्तों, जो कुक होता है उसको हेल्प करने की, उसको सहायक यानी सहायक मतलब हेल्प करने का कार्य वाटर करियर करता है। ठीक है, तो वाटर करियर का जो ट्रेड टेस्ट होता है और जो फिजिकल होता है वो कुक का और वाटर करियर का सेम होता है। ठीक है, जैसे कि फिजिकल में आपको जो है 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी जो लड़के हैं उनके लिए, और उनको जो है 10 मिनट का समय दिया जाएगा। और जो लड़कियां हैं उनकी 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी लेकिन उनको समय दिया जाएगा 12 मिनट का। ठीक है, तो जो ट्रेड टेस्ट होता है लड़कियों का और लड़कों का सेम होता है, जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सेम होते हैं। तो क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो ट्रेड टेस्ट कितने नंबर का होता है? तो दोस्तों, ट्रेड टेस्ट होता है 50 नंबर का। उसमें आपको 20 मार्क्स लाना जरूरी है क्वालिफाई होने के लिए। अगर आप 20 से कम मार्क्स लाते हैं तो आपको जो है वहीं पे डिसक्वालीफाई कर दिया जाता है। क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ 20 मार्क्स लाना जरूरी है, लेकिन आपको उससे ज़्यादा नंबर आप लाओगे तो आपका जो है सिलेक्शन प्रोसेस में आप आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, जितना ज़्यादा फिजिकल इंपॉर्टेंट है उतना ही ज़्यादा जो है आपका जो है ट्रेड टेस्ट इंपॉर्टेंट है। ट्रेड टेस्ट मेन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि यह जो है ट्रेड्समैन की वैकेंसी है। इसमें सबसे ज़्यादा ट्रेड टेस्ट में जिसके ज़्यादा अंक रहेंगे वही आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो अभी ट्रेड टेस्ट में क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं? तो सबसे पहले आपको दोस्तों आटा गूंदना आना चाहिए, बर्तन धोना आना चाहिए, जैसे और क्या है कि रोटी बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो जैसे आपको ट्रेड टेस्ट में आपको बताया जाएगा, हाँ ये बर्तन है, इतने में आप इसको कैसे धोओगे। ठीक है, आपको धोके फिर कैसे सुखाओगे वो आपको उधर दिखाना पड़ेगा, करके भी दिखाना पड़ेगा, फिर बोलेंगे कि हाँ आटा गूंद के दिखाओ। देखो क्या होता है कि एक कंपनी में नौकरी होती है लगभग तकरीबन 100 के आसपास। ठीक है, तो 100 के आसपास नौकरी रहेगी तो बोलेगा कि हाँ 100 लोगों की रोटी बना के दिखाओ। ठीक है, तो 100 लोगों की रोटी बनाने के लिए आपको कितना आटा गूंदना पड़ेगा, तो वो आपको आटा दे देगा। ठीक है, वो आटा देगा, फिर आप कैसे गूंदोगे? आप एक तो होता है कि आप मशीन से, वहाँ पे अगर मशीन होगा तो मशीन में आटा डाल के कितना पानी डालते हो और आटा कैसे गूंदते हो उसके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, वो जो अधिकारी वहाँ पे बैठा रहेगा वो देखेगा। अगर बोलेगा हाँ अभी आपको, नहीं तो बोला जाएगा कि हाँ इतना आटा दे दिया और अभी इसको गूंद के दिखा। ठीक है, आटा दे देगा, पानी दे देगा और आपको बस खाली आटा हाथ से भी गूंदना पड़ सकता है। ठीक है, वहाँ पे जो अधिकारी बैठा रहेगा उसके ऊपर डिपेंड है कि वो आपसे क्या काम करवाता है वहाँ पे। ठीक है, और बोलेगा हाँ रोटी बना के दिखाओ, तो अगर वहाँ पे बोलेगा कि रोटी बना के दिखाओ तो आपको रोटी बना के भी दिखाना पड़ेगा, गोली काट के कैसे गोली काटते हैं वो भी आपको गोली काट के भी वहाँ पे दिखाना पड़ेगा। रोटी के लिए गोली काटते हैं तो वो जैसे गोली काटते हैं वैसे गोली काट के दिखाना पड़ेगा, रोटी बना के दिखाना पड़ेगा। अगर अच्छा बनाते हो तो वहाँ पे आपका जो है वहाँ पे मार्क्स वो लिखते रहेंगे कि क्या क्या इसने गलती किया, क्या क्या सही काम किया है, क्या नहीं किया है, वो सब आपका देखा जाएगा। ठीक है, कुक के जितना नहीं लेकिन कुक से थोड़ा कम तो आपको काम आना चाहिए, थोड़ा बहुत मतलब, जैसे कि रोटी बनाना हुआ, आटा गूंदना हुआ, बर्तन मांजना हुआ, ये जो है दोस्तों आपको आना ही चाहिए। ठीक है, जैसे कुक का जो काम होता है, कुक में क्या होता है कि पूरा काम करना पड़ता है, सब्जी बनाना वो सब कुछ, लेकिन आपको तो उसका असिस्टेंट यानी वाटर करियर का पहले तो काम होता था कि पानी ला के देना सिर्फ। अभी वो जो है काम खत्म हो गया, अभी सब नज़दीक हो गया, जहाँ बटन दबाया तुरंत जहाँ पे मेस है वहीं पे नलके से पानी आ गया। लेकिन अभी क्या है कि आपको जो है कुक का सहायक बन के ही काम करना पड़ेगा। अगर जिस बटालियन में कुक नहीं है, जिस कंपनी में कुक नहीं है, तो आपको भी भेजा जाएगा। ठीक है, तो आपको ही सब कुछ काम करना पड़ेगा वहाँ पे।
ठीक है, तो इसीलिए जो है आपके ट्रेड टेस्ट में जो है ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे। दोस्तों आपको अगर कुछ नहीं आता है, रोटी बनाना नहीं आता है, आपको आटा गूंदना नहीं आता है, तो अभी आपके पास में समय है, तो आप जो है आप वहाँ पे घर पे ही काम करके देख सकते हैं। जब आप ट्रेड टेस्ट देने के लिए जाओगे तो वहाँ पे आपको हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। पहली बात, मेन बात तो ये है, डरना नहीं है बिल्कुल। जो भी बताया जाएगा वो काम तसल्ली से करना है। अगर आपको बोला जाएगा कि हाँ बर्तन मांज लो, ये बर्तन है इसको धो के रख दो, कैसे सुखाओगे, कैसे का क्या करोगे, तो आपको वहाँ पे जाके बिल्कुल ही तसल्ली से ये करना है। दोस्तों आपको जो बर्तन है उसके नाम भी याद आने होने चाहिए, ठीक है। जैसे आप, अगर आपको याद नहीं है तो आपके घर में भी बर्तन होंगे, तो आपको जो है वो बर्तन के नाम जो है याद होने चाहिए। वहाँ पे अगर जाने के बाद में जो अधिकारी टेस्ट लेने के लिए बैठा रहेगा, वो उसने अगर पूछ दिया कि हाँ इसको क्या बोलते हैं, अगर आप वहाँ पे नहीं बता पाए तो वहीं पे आपके जो है मार्क्स कट हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको बर्तन के नाम भी याद होने चाहिए। और जब आप बोला जाएगा कि हाँ आटा गूंद दो या कुछ और काम बोला जाएगा, तो वो काम जो है तसल्ली से करना है। दोस्तों आपकी हर एक एक्टिविटी के ऊपर उनका ध्यान रहेगा। अगर आपने कहीं से भी छोटी सी गलती कर दी तो वहीं पे आपके जो मार्क्स है वो कम करते जाएंगे, ठीक है। तो आपको जो मैंने आपको बता दिया है, ट्रेड टेस्ट जो है आपका 50 मार्क का होगा, उसमें से आपको क्वालिफाई करने के लिए 20 मार्क्स लाना जरूरी है। अगर आप उससे कम लाते हैं तो आपको फेल कर दिया जाएगा। दोस्तों ये क्वालिफाई करने के लिए 20 मार्क्स है, आपको 20 से यानी आपको कम से कम भी 45 मार्क्स लेना है, ठीक है। तो अगर आप ऐसे करते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, ठीक है। ये ट्रेड्समैन की वैकेंसी है दोस्तों। इसमें ट्रेड्स में जो ट्रेड टेस्ट होगा उसमें अगर आपके सबसे ज़्यादा अंक है तो जो है आपका जो है मेरिट सबसे आप मतलब आपका सिलेक्शन के आप नज़दीक पहुंच जाओगे, ठीक है दोस्तों। तो आपको इस वीडियो में मैंने पूरी जानकारी दे दी है। अगर आपको आपके मन में फिर भी कोई डाउट्स है, कोई सवाल है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके मेरे को कमेंट्स कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।